उसने जन्म दिया, उसने स्तनपान किया, अब वह चाहता है कि उसका बेटा उसे एक आदमी के रूप में देखे। कई नए पिता की तरह स्पार्क्स को पता था कि पेरेंटिंग गंभीर चुनौतियों के साथ आएगा, लेकिन ज्यादातर नए पिता ने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया, उन्होंने उन्हें स्तनपान नहीं किया। और जब वे अपनी पत्नी और उनके बच्चे के बेटे के साथ खरीदारी करते हैं तो वे इसे चमक नहीं सहन करते हैं। सेबास्टियन 24 एक ट्रांसजेंडर आदमी है जो उपनगरीय अटलांटा में अपनी पत्नी एंजल के साथ रहता है। चैंग के समय मादा लिंक को सौंपा गया, उसने 5 साल पहले संक्रमण शुरू किया। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पिछले महीने अधिक पूर्ण महसूस कर रही थी जब उसके स्तनों को हटाने के लिए सर्जरी हुई थी। पिता दिवस के साथ खुद को लिंग भूमिकाओं के बारे में सोच रहा है और इसका मतलब पिता बनने का क्या मतलब है। वह अपने 20 महीने के बेटे जैक्सन को जितना संभव हो सके बचपन सामान्य होना चाहते हैं, और पहली बार वह अब अपने शरीर के अंदर आसानी से महसूस करता है। वह आशा करता है कि जैक्सन उस अंतर को देखेंगे। वह कहता है, मैं अपने आप में एक बेहतर पिता होने में सक्षम हूँ और वह मुझ पर विश्वास देख रहा है। टिड ग्रोव जॉर्जिया में बढ़ रहे के रूप में अलग महसूस करते थे। एक आदमी बनने के लिए संक्रमण करने से पहले वह स्कूल बस पर और सोचेंगे कि स्तनों से उन्हें कितना नफरत है। सेबास्टियन ने आशा व्यक्त की कि पर्याप्त पैसे बचाने के एक दिन बाद एक सर्जरी उन्हें हटा सकती है। जब तक 5 साल पहले ट्रांसजेंडर लोगों के लिए एक सम्मेलन में एंजल से मिले तो उन्होंने एक आदमी के रूप में पहचाना। 33 वर्षीय एंजल को जन्म के समय पुरुष नामित किया गया था, लेकिन साल पहले संक्रमण हुआ था। वे दोनों जानते थे कि वे माता पिता बनना चाहते थे। 2016 में उनका विवाह होने के बाद वे इस बात पर सहमत हुए कि अपने बच्चे को ले जाएगा एक निर्णय। एंजल स्पार्क्स का कहना है कि इसे हल्के से नहीं लिया गया था। कई ट्रांसजेंडर पुरुषों और महिलाओं की तरह वे टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन को अपने शरीर में बढ़ाने के लिए दवा ले रहे थे, तो एक बच्चा बनाने के लिए उन्होंने संक्षेप में अपनी हार्मोन गोलियां लेना बंद कर दिया। इस जोड़े ने अपने बेटे को परंपरागत तरीके से कल्पना की, भले ही उस समय उनकी जैविक भूमिकाएं उनके साथ कैसे संगत नहीं थी। एंजल का कहना है, गर्भवती होना ठीक था, गर्भवती रहने की कोशिश करना मुश्किल था। पहली बार उन्होंने कोशिश की गर्भपात जब वह जैक्सन के साथ गर्भवती हो गया तो वे चिंतित हो गए कि एक और गर्भपात हो सकता है। जैक्सन से पहले मेरा बच्चा था, एंजल कहते हैं, मैं बच्चे के बारे में चिंतित था, लेकिन मैं भी चिंतित था कि मैं भी खो सकता हूँ। जोड़े को दूसरों के पूर्वाग्रह का भी सामना करना पड़ा। जब गर्भवती थी तो उसके करीब किसी ने बच्चे को लेने की धमकी दी और कहा कि घर पर उसका जीवन अप्राकृतिक होगा। सुरक्षा कारणों से वह और एंजल अस्पताल में अज्ञात के रूप में सूचीबद्ध थे। एक बहुविश्वास मंत्री एंजल ने कहा कि यह उनके विश्वास का परीक्षण था, लेकिन जब वह के साथ डिलीवरी रूम में बैठी थी श्रम में रहते हुए उसे एक आदमी बनने चिढ़ाते हुए एंजल का डर खत्म हो गया। वह कहती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज ने मुझे दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज दी है। जैक्सन के जन्म के बाद को कभी कभी स्तनपान करना पड़ता था। जब वह एंजल और उनके बेटे सार्वजनिक रूप से बाहर थे, उनमें से 3 ने देखा कि वे अपने पड़ोस के स्टोर के किनारे पर नेविगेट करते थे। लोग हमें सनेकल या कॉल करेंगे F**k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 **
करेगा और वह क्या कर रहा था छुपाएगा। आत्म जागरूक महसूस करना एक छाती बांधने वाला पहना था एक संपीड़न शर्त स्तनों को फटने के लिए प्रयोग किया जाता था।
यह असहज और पसीना और खुजली है, वह कहते हैं। एक समय में 10-12 घंटे पहनने की कल्पना कीजिए। मैं हमेशा खुद को छिपाना चाहता था। सभी ट्रांसजेंडर लोग लिंग संक्रमण के हिस्से के रूप में शल्य चिकित्सा नहीं लेते हैं और जानता है कि दिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह चिंतित है कि कुछ लोग उसके साथ व्यवहार करने वाले घृणित तरीके से जैक्सन को पारित कर सकते हैं। यही वह नहीं है जो वह अपने बेटे के लिए चाहता है। तो पिछले महीने की सर्जरी उनके लिए सिर्फ महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि जैक्सन के लिए भी चाहता है कि उसके बेटे को खुद में देखना पड़े। वह कहता है, मेरे बेटे को अपने पिता पर छाती नहीं दिखाई देगी। जैक्सन एक गेंद के साथ खेलते हुए देख रहे हैं, वह मुझसे अलग नहीं होगा। एंजल ने देखा है कि अपनी सर्जरी के बाद से अधिक आत्मविश्वास महसूस करता है। वह कहती है, वह हमेशा अपनी शर्ट के साथ घूमती है। वह कहती है, ऐसा लगता है कि वह दुनिया को अपनी छाती दिखाने का एक कारण ढूंढ रहा है। स्पार्कलिंग भूमिकाओं में ज्यादा स्टॉक नहीं डालने का प्रयास करते हैं। अपने दो के अपार्टमेंट में जैक्सन के कमरे में खिलौनों का मिश्रण है, छोटे ट्रक से गुड़िया तक एक नाटक रसोई घर तक। एंजल जैक्सन को कुछ रात बिस्तर पर रखता है, जबकि दूसरी बार यह है। वे दोनों समझ सकते हैं जब जैक्सन उठाया जाना चाहिए या हवा में प्लेफुली फेंकना चाहता है, लेकिन जब एक बच्चा के रूप में सीखे गए पाठों की बात आती है तो कुछ चीजें हैं जैक्सन पुत्र के पुत्र को सिखाना चाहता है। उनमें से एक यह है कि कैसे खड़े हो जाना है, कुछ अलग करना, एक अलग करने योग्य कृत्रिम के मदद से करता है। कहते हैं, मैं अपने बच्चे के लिए वहां रहने का इंतजार नहीं कर सकता जो एक वितरण केंद्र में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। जितना मेरा शरीर उसके जैसा दिखता है उतना ही बेहतर वह समझ जाएगा। यद्यपि वह 2 सेकंड्स कम है, जैक्सन पारंपरिक लिंग भूमिकाओं के संदर्भ में अपने माता पिता को देखने के संकेत दिखाता है। एंजल कहते हैं, वह मुझे पोषण के लिए देखता है, वह गेंद खेलने के लिए पिता को देखता है। स्पार्क परिवार के पास इस वर्ष फादर डे के लिए कोई योजना नहीं है। सबाशन कहते हैं कि वह रविवार को काम कर रहे हैं, लेकिन वह जानता है कि उनके बेटे के साथ गुणवत्ता का समय बिताने के लिए उनके भविष्य के अवसर बहुत सारे होंगे। चाहता है कि जैक्सन दुनिया भर में यात्रा करे। वह अपने बेटे को के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में मदद करना चाहता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि वह कभी ऐसा महसूस न करे जैसे वह प्यार करता है, जहां भी वह बदल जाता है। लेकिन स्पार्क्स ने अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित और प्रेमपूर्ण घर बनाया है, फिर भी अभी भी चिंतित है कि बाहर की दुनिया में क्रूर माता पिता के साथ बाहरी दुनिया कितनी क्रूर होगी। हम होम स्कूलिंग के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि हम नहीं करते हैं कि जब बच्चे अपने माता पिता को पता लगाएंगे तो क्या होगा, हम कौन हैं। हम पहले से ही दूसरों के उपहास के अधीन हैं। हम जो भी कर सकते हैं वह उसे हमारे मूल्य सिखाता है और सर्वश्रेष्ठ के लिए आशा करता है। जोड़े अपने बेटे को सबसे अच्छा तरीका उठा रहे हैं कि वे कैसे जानते हैं प्यार के साथ। वे यह भी महसूस करते हैं कि कई पर्यवेक्षकों के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा। लोग सोचते हैं कि ट्रांस लोग अच्छे माता पिता नहीं हो सकते हैं और यह सच नहीं है। कहते हैं, ट्रांस माता पिता किसी अन्य माता पिता की तरह हैं।